अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल कादिर। दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है हेलोवीन फेस्टिवल। दोस्तों, बहुत से लोग इस फेस्टिवल के बारे में जानते होंगे और वो सिर्फ इतना सा जानते होंगे कि ये वो त्यौहार है जिसको पर अजीब व गरीब जो ड्रेसेस होती है भूतिया टाइप की, वो पहन करके लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं। लेकिन इस फेस्टिवल के पीछे की वजह क्या है, क्या है इसके पीछे की वजह, वो साथ ही साथ में अभी ये इतना ज़्यादा वायरल क्यों हो रहा है, लोग इसके बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, तो दोस्तों आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, जो हेलोवीन फेस्टिवल है ये ईसाइयों, मोस्टली ईसाइयों के जो द्वारा है वो मनाया जाता है, और जो यूरोपियन कंट्रीज है मोस्टली उधर ये मनाया जाता है, यूएस वगैरह हो गया, यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज है, दक्षिण कोरिया इनफैक्ट वहाँ पे भी मनाया जाता है। और हाल ही में इसी से रिलेटेड जो फेस्टिवल है, उस तरह का जो फेस्टिवल वो ऑर्गेनाइज किया गया है सऊदी अरेबिया में, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, और साथ ही साथ में लोग सऊदी अरेबिया की जो हुकूमत है उस पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हेलोवीन होता क्या है। दोस्तों, हेलोवीन जो होता है, जो यूरोपियन कंट्रीज, जो क्रिश्चियन कंट्रीज है, उनकी एक मान्यता के हिसाब से वो अक्टूबर का जो लास्ट 3 डेज होते हैं उसके अंदर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। उनकी जो मान्यता होती है वो ये होती है कि जो 31 अक्टूबर की जो रात होती है, उस रात को जो भी आपके पुरखे पूर्वज जो इंतकाल कर चुके हैं, फौत हो चुके हैं, उनकी जो रूहें हैं, उनकी जो आत्माएं हैं, वो आपके घर आती हैं, आपसे मिलने के लिए आती है। वो उन्हीं से मिलने के लिए, उन्हीं को खुश करने के लिए ये लोग इस तरह के अजीब व गरीब कॉस्ट्यूम बनाते हैं। शायद इन लोगों का इसके पीछे मानना ये है कि वो मरने के बाद भूत प्रेत वगैरह बन जाते हैं, व्हाटएवर जो भी इनकी सोच हो, तो ये ऐसे अजीब व गरीब ड्रेसेस बनाते हैं और पहन करके, और 3 दिन तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है यूरोपियन कंट्रीज में। हाल ही में एक जो साउथ कोरिया है वहाँ का एक वीडियो भी आया है, हैरान करने वाला है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ जो लोग हेलोवीन मना रहे थे वहाँ की राजधानी में, अचानक कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया और वो लोग एक एक करके मरने लगे। वो लगभग बताया जा रहा है कि 130 से ऊपर लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं सऊदी अरेबिया में हेलोवीन मनाने की, तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सऊदी अरेबिया की बात हो रही है, वहाँ के जो वजीर आजम है, जो मुखिया है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने हाल ही में वहाँ पे इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है और इसको नाम दिया है उन्होंने हॉरर वीकेंड, यानी एक ऐसा वीकेंड जिसके अंदर आप अजीब व गरीब ड्रेसेस पहन करके आप इंजॉय कर सकते हैं, आपके दिल में जिस तरह की मतलब फीलिंग है उस तरह की फीलिंग्स को निकाल करके आप तरह तरह की शक्ल सूरत इख्तियार कर सकते हैं, बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और उन्होंने जो इस फेस्टिवल को नाम दिया है हेलोवीन की जगह, उन्होंने इसको नाम दिया है हॉरर वीकेंड, यानी ये पूरा एक वीकेंड है। और ये जो दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था, ये बाकायदा सऊदीया की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ था 27 और 28 अक्टूबर को, और जो वहाँ के लोग थे उन्होंने खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। दोस्तों अगर दोस्तों आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, इसमें देखेंगे कुछ लाल रुमाल वाले लोग भी आपको नजर आ रहे हैं, और अक्सर इन लाल रुमाल वालों के जब हम वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो हमें कई बार ऐसा दिखता है कि ये लोग जो हम सलातो सलाम पढ़ते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, उस पर एतराज़ जताते हैं, मिलाद मनाने पर एतराज़ जताते हैं, यहाँ तक कि मज़ारात पर जाने पर एतराज़ जताते हैं, और इन सब चीज़ों को ये बिदअत बताते हैं, दीन में मतलब दीन के अंदर खामियां पैदा करना बताते हैं। लेकिन जिस तरह से ये खुद जो हरकतें कर रहे हैं उसका दीन से कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, इनफैक्ट ये किसी गैर मजहब की जो शक्लो सूरत है उसको इख्तियार करना हो गया, उसकी जो रस्में हैं उनको इख्तियार करना हो गया, और वो भी ऐसी जो शैतानी रस्में हैं जिनका कि दूर दूर तक इस्लाम से कोई सरोकार नहीं है, उनको ऑर्गेनाइज करना और उनको उनके हिसाब से चलना हो गया। तो एक तरह से अगर आप देखा जाए तो ये वही लोग हैं जो कि मुसलमानों को वहाँ जाने पर, जो बहुत सी बार हम सुनते हैं कि मदीना शरीफ में जा करके जो सलातो सलाम पढ़ते हैं वगैरह करते हैं, ये लोग जा करके उनको रोकते हैं, उनको कहते हैं भी ये सही नहीं है, ऐसे मज़ारों के बारे में ये बोलते हैं, और आज ये खुद लोग लाल रुमाल अपने कंधों पर डाल करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जहाँ की जिनकी इस्लाम से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो दोस्तों ये तो था सऊदी अरेबिया का मामला कि इस तरह वहाँ पे मनाया जा रहा है। और यहाँ दोस्तों जो सऊदी अरेबिया है, हाल ही में जो वहाँ के जो शासक है मोहम्मद बिन सलमान, उनकी वजह से कुछ ज़्यादा ही लोगों की नज़रों में हाईलाइट हुआ है और विवादित बन गया है, क्योंकि वहाँ आज़ादी के नाम पर ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी है कि
हम और आप एक एज एक मुस्लिम की तरह वहां पे या सोच भी नहीं सकते, या हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि वहां ऐसा होना चाहिए। वहां पर बहुत से नाच गाने होने लगे हैं, उसकी छूट हो गई है, और साथ ही साथ में अब यह इस तरह की हरकतें भी वहां होने लगी, जबकि ये वो कंट्री है, ये वो जगह है जहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए थे और सबको हिदायत का पैगाम दिया था। यहीं पर मक्का और मदीना जैसी बेहतरीन और अजमत वाली जगह मौजूद है, लेकिन ये जो सऊद है उनको लोग ऐसे भी कहने लगे कि ये नसारा के ही एक तरह से यानी ईसाइयों और यहूदियों के ही भाई बंधु बन चुके हैं। और जिस तरह से इन लोगों ने अल्लाह के वलियों उनकी तमाम की मुखालिफत की, लेकिन आज ये उन्हीं लोगों के साथ में शरीक होकर के जो कि इस्लाम के खिलाफ थे, उन्हीं में शरीक होकर के आज इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो गैर मुस्लिम है और जो कि इस्लाम से नफरत करते हैं, वो लोग इस बात पर बहुत खुश है और इसको एक तरह से डेवलपमेंट का नाम दे रहे, प्रोग्रेस का नाम दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस्लाम एक ऐसा वाहिद मजहब है जिसको डायरेक्टली कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस्लाम के रेस्पेक्ट में आप किसी भी मज़हब को अगर कंपेयर करके देखेंगे तो आप इस्लाम को बेटर पाएंगे। ऐसे ही जितने भी मज़हब के जितने भी महापुरुष आए हैं, जितने भी अवतार आए हैं, अगर उनको भी अगर आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाइफ से कंपेयर करके देखेंगे तो आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बेटर पाएंगे। इसी तरह अल्लाह का यानी गॉड का जो हर एक में परसेप्शन है कि खुदा कैसा होता है, अगर उस अगर कंपेरिजन करेंगे उस हिसाब से, तो भी आप इस्लाम को बेटर पाएंगे। तो ऐसे जो लोग हैं जो इस्लाम के दुश्मन हैं, छिपे दुश्मन हैं, उन लोगों ने धीरे धीरे इसी तरीके के तरीके निकाले हैं, ईजाद किए हैं, जिससे कि वो कहीं ना कहीं इस्लाम को नुकसान पहुंचा सके और इस्लाम को जो है इस्लाम से लोगों को दूर कर सके। तो दोस्तों ये था पूरा हेलोवीन के बारे में मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ में वीडियो में आपने देखा भी, और ये सऊदी अरबिया में हुआ था और इसको उन्होंने हेलोवीन की बजाय हॉरर वीकेंड का नाम दिया था। अब दोस्तों देखना ये रहेगा आने वाले वक्त में और सऊदी अरेबिया की क्या दुर्गति होती, किस तरह वो नीचे गिरता जाता है। और कई लोग दोस्तों ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाला वक्त ऐसा है कि अरब को अजम वाले ही ठीक कर पाए, उनकी मरम्मत कर पाए। बहरहाल हम यही अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको हिदायत दे, नेक राह पर चलाए। अस्सलामु अलैकुम।